और आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन स्टीम पीस। जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। चार पीसेस मैंने चिकन के लिए, दो लेग पीस हैं और दो चेस्ट पीस हैं। दो टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, एक नींबू लिया जिसका मैंने रस निकाल लिया है, दो टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 6 जवे लहसुन की और एक बड़ा टुकड़ा अदरक का है, 2 टेबल स्पून मैंने दही ली है, चिकन पीस का मसाला और 1 टीस्पून मैंने लिया सुर्ख मिर्च का और 1 हाफ टी स्पून मैंने हल्दी लिया, 1/2 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला लिया, 1/2 टीस्पून मैंने जिंजर पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने लहसुन पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। ऑयल लेंगे, लेमन जूस लेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैंने सिरका लगाया है थोड़ा सा, पहले ही 10 मिनट पहले मैंने सिरका लगा के रख दिया था चिकन को। अब एक एक करके हम इसे मसाला लगाएंगे जो काट लगाए हैं। आप इसे बनाने से पहले 3 घंटा पहले मसाला लगा कर मैरिनेट करके फ्रिज में रख दें। और मैंने फूड कलर नहीं लगाया, आप लगाना चाहते हैं तो लगा लें। अब मैं इसे फ्रिज में रखूंगी ओवरनाइट के लिए। जी तो व्यूअर्स, ये ओवरनाइट के लिए मैंने रखा था, ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है। मैंने तवा रखा है, मैं इसे मीडियम फ्लेम पे बनाऊंगी। आप इसमें, आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, पतीले में, देगची में, किसी भी चीज़ में आप बना सकते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लगाया है अंदर। अब मैं इसे ढककर पकने के लिए रख दूंगी मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए और बीच में एक बार चेक करूंगी। भाप बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल कवर करके इसे रख दें और 20 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करेंगे। तो 20 मिनट बाद मिलते हैं। 20 मिनट हो गए हैं तो चेक करते हैं। देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है, अब हम इसकी दूसरी साइड चेंज करते हैं और 20 मिनट के लिए फिर रख देंगे ढककर। चिकन स्टीम हो गया है, अब जो ये पानी रहता है इसमें फुल फ्लेम पे बनाऊंगी ढक्कन दिए बगैर, 5 मिनट एक साइड पे और 5 मिनट दूसरी साइड पे चेंज करके। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जी तो व्यूअर्स, 5 मिनट हो गए हैं। जी तो व्यूअर्स, मेरा चिकन स्टीम रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।